ऑक्सीजन किल्लत पर जागी केजरीवाल सरकार, दिल्ली में एक महीने में लगेंगे 44 ऑक्सीजन प्लांट। बैंकॉक से 18 ऑक्सीजन टैंकर मंगवा रही दिल्ली सरकार, फ्रांस से आएंगे 21 ऑक्सीजन प्लांट। कोरोना पर बोले सीएम केजरीवाल, दिल्ली में अब डराने वाले हालात नहीं है, धीरे धीरे सुधर रहे हालात। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट में गिरावट नहीं, 10 मई तक बनेंगे 1200 आईसीयू बेड। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नए कोविड सेंटर का किया दौरा, जीटीबी अस्पताल के पास बनेगा नया कोविड सेंटर। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने कहा राष्ट्रीय संकट में कोर्ट मूकदर्शक नहीं रहेगा। वैक्सीन के अलग अलग दामों पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, कहा देश में वैक्सीन के अलग अलग दाम क्यों। मद्रास हाईकोर्ट की फटकार का असर, चुनाव आयोग ने 2 मई को विजय जुलूस पर लगाए रोक, 2 मई को 5 राज्यों के आने हैं चुनावी नतीजे। कोरोना के बीच महाराष्ट्र में मानवता शर्मसार, बीड में एक एम्बुलेंस में लाए गए 22 शव, अंतिम विदाई में भी नहीं मिल पा रहा सम्मान। महाराष्ट्र में कोरोना का तांडव, बीड में एक साथ 22 शवों का अंतिम संस्कार। मुंबई में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, क्राइम ब्रांच ने रेमडेसिविर के 34 इंजेक्शन जब्त किए, पुलिस ने 5 आरोपियों को भी पकड़ा। आरोपी 18,000 रुपए में बेच रहे थे रेमडेसिविर इंजेक्शन, पुलिस ने एक होटल में छापा मारकर आरोपियों को धर दबोचा। महाराष्ट्र के इंदापुर में एक कंपनी से 72 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए, 51 भरे हुए सिलेंडर भी पकड़े गए। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में एक नर्स गिरफ्तार, दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल की नर्स को पुलिस ने दबोचा। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा। दिल्ली वालों के लिए संजीवनी लेकर पहुंची भारतीय रेल, अस्पतालों में की जा रही है ऑक्सीजन की सप्लाई। ऑक्सीजन सप्लाई में दिन रात जुटी है भारतीय रेलवे, अब तक 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई। मध्य प्रदेश के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से रवाना, आज रात जबलपुर पहुंचेंगे 2 टैंकर, कल सुबह तक 4 टैंकर मंडीदीप पहुंचेंगे। दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए मारामारी जारी, ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लगी है लोगों की लंबी लंबी कतारें। ऑक्सीजन संकट के बीच कई एनजीओ भी आगे आए, जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। देश में कोरोना के 3,23,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 2,771 लोगों की गई जान। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन कोरोना पॉजिटिव, इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती, तिहाड़ जेल में बंद है अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन। यूपी के रामपुर हॉस्पिटल में हंगामा, काम के दबाव में डॉक्टर और नर्स के बीच हुई बहस, नर्स ने डॉक्टर को मारा थप्पड़। आगरा में ऑक्सीजन की किल्लत पर हंगामा, ऑक्सीजन न मिलने पर सप्लायर की गाड़ी पर पथराव किया। राज्य सरकारों को केंद्र की नई गाइडलाइंस, हॉस्पिटल में 60% बेड फुल होने पर लगी सख्त पाबंदी। कोरोना संकट में बड़ी मदद, ब्रिटेन से 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप भारत में। कोरोना लड़ाई में भारत की मदद करेगा फ्रांस, 4.5 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन भारत भेजेगा फ्रांस। भारत की मदद के लिए आगे आई अमेरिकी कंपनियां, अमेरिका के 40 सीईओज ने बनाया ग्लोबल टास्क फोर्स। जरूरतमंद देशों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन देगा अमेरिका, जरूरी मंजूरी के बाद शुरू होगी वैक्सीन की सप्लाई। कोरोना संकट के बीच जापान ने बढ़ाया मदद, कहा जापान के पीएम बोले भारत की हर संभव मदद करेंगे। थाईलैंड के प्रधानमंत्री का पर जुर्माना लगा है, मास्क नहीं पहनने पर लगा जुर्माना, पुलिस ने 14,270 रुपए का चालान काटा। भारत में तेजी के साथ फैलते कोरोना को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया बेहद खतरनाक, स्टाफ समेत जरूरी सामान भारत भेज रहा है WHO। भारत को मदद पर व्हाइट हाउस का बयान, कहा बीते 2 दिन में उठाए गए कुछ जरूरी कदम, इंडिया को जरूरी सामान की सप्लाई आगे भी जारी रहेगी। ऋषिकेश और देहरादून के कुछ इलाकों में लगाया गया लॉकडाउन, 3 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा लॉकडाउन। नैनीताल के 3 इलाकों में आज से 3 मई तक लागू रहेगा कर्फ्यू, हल्द्वानी, रामनगर और लालकुआं में रहेगा टोटल लॉकडाउन। कर्नाटक में आज से 14 दिन के लिए लगाया गया टोटल लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खुल सकेंगी। कर्नाटक में 10 मई तक रहेगा टोटल लॉकडाउन, कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के चलते लिया सरकार ने फैसला। महाराष्ट्र में एक दिन में रिकॉर्ड 5 लाख वैक्सीन लगाई गई, 1.5 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य। कर्नाटक में लॉकडाउन के ऐलान के बाद घरों को लौटने लगे प्रवासी, मंगलौर में बस अड्डे पर देखी भारी भीड़, जल्द घर पहुंचने की कोशिश में लगे लोग। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में आई थोड़ी कमी, 24 घंटे में 48,700 नए मामले सामने आए, 524 लोगों की कोरोना से मौत हुई। मुंबई में कोरोना के 3,800 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, 24 घंटे में 70 लोगों की हुई है मौत, 9,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। मुंबई में एंट्री के 5 टोल नाकों पर आज से फास्टैग, जरूरी टोल नाकों पर वाहनों की भीड़ कम करने के लिए फैसला। यूपी में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा नए केस, 249 लोगों ने तोड़ा दम। लखनऊ में अब बिना मास्क बसों में सफर पर रोक, नो मास्क नो सफर की व्यवस्था की लागू, कंडक्टर यात्रियों को मुहैया कराएंगे मास्क। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और कांग्रेस नेता
करुणा शुक्ला का कोरोना से निधन, रायपुर में इलाज के दौरान हुआ निधन। गुजरात में कोरोना के 14,340 नए मामले आए सामने, 24 घंटे में 158 लोगों ने दम तोड़ दिया, 7,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच तेजी से फैल रहा है कोरोना, 24 घंटे में सामने आए 16,000 नए केस, 68 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। बिहार में तेजी से फैल रहा है कोरोना, 24 घंटे में 12,800 नए मामले आए सामने, पटना में सबसे ज्यादा 1,850 मामले दर्ज। बिहार के गया और औरंगाबाद में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, नीतीश सरकार ने माना प्रदेश में ऑक्सीजन की है कमी। रांची के सदर अस्पताल से कई डॉक्टर्स नर्सेज नदारा ड्यूटी पर, नहीं पहुंचे 28 डॉक्टर्स और 73 मेडिकल स्टाफ। रांची सदर अस्पताल में ड्यूटी पर नहीं आने वाले स्टाफ पर कार्रवाई, एक गायब डॉक्टर और स्टाफ पर दर्ज हुआ केस। हरियाणा में कोरोना के 11,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए, बीते 24 घंटे में 75 लोगों की कोरोना से मौत हुई, 6,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात। हरिद्वार कुंभ में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शाही स्नान, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए साधु संतों ने गंगा में लगाई डुबकी। शाही स्नान के लिए हर की पैड़ी पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, जगह जगह बनाए गए सैनिटाइजर आउटलेट, लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सीएम से फोन पर की बात, एक मई से शुरू होने वाली वैक्सीनेशन के लिए जानकारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए दिया ऑर्डर, 1 मई से युवाओं के लिए शुरू होगा वैक्सीनेशन। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में कोरोना मरीज की मौत, परिजनों ने ऑक्सीजन खत्म होने से मौत का लगाया आरोप, प्रशासन बोला ऑक्सीजन की नहीं है कोई कमी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अस्पताल की बिजली हुई गुल, ऑक्सीजन फ्लो बाधित होने से एक मरीज की मौत हुई, बिजली गुल होने से लिफ्ट में फंसे रहे कई लोग। दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद लोग नहीं सुधरने को हैं तैयार, नॉट प्लेस में पुलिस ने दिखाई सख्ती, बेवजह घूम रहे लोगों का चालान काटा। महाराष्ट्र में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का अगस्त तक कंप्लीट होगा वैक्सीनेशन, सरकार ने 5,500 करोड़ खर्च करने की तैयारी की। महाराष्ट्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट से मांगे हैं 1.5 करोड़ कोविशील्ड, भारत बायोटेक से 1 करोड़ वैक्सीन कोवैक्सीन की डिमांड। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लॉकडाउन तोड़ने पर प्रशासन ने दी अनोखी सजा, लॉकडाउन तोड़ने वालों से कराया गया योग, घर से बाहर नहीं निकलने की शपथ दिलाई। बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, कुछ दिन में ही 1,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, प्रशासन ने इलाज के लिए कसी कमर। दिल्ली में 28 से 30 अप्रैल के बीच आ सकता है कोरोना का पीक, इस दौरान 35,000 तक नए केसेस आ सकते हैं सामने, विशेषज्ञ बोले मई में कम होने शुरू होंगे कोरोना के मामले। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात पर नीति आयोग का बयान, लोगों को घरों में भी मास्क पहनने की दी सलाह, कहा डर या भय फैलाना हो सकता है खतरनाक। गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश, जिस जिले में एक हफ्ते तक पॉजिटिविटी रेट 10% रहे वहां लगाई जाए 14 दिन सख्त पाबंदी। आगरा में कोरोना हुआ विकराल, डेड बॉडी ले जाने के लिए नहीं मिल रही एम्बुलेंस, रिक्शा पर शव ले जाने को मजबूर है परिजन। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा के अधिकारियों संघ की बैठक, कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। लखनऊ में कोरोना से निपटने की कोशिशें जारी, चारबाग स्टेशन और बस अड्डे को किया गया सैनिटाइज, बसों पर किया गया केमिकल छिड़काव। हरिद्वार के भेल प्लांट से जरूरी जगहों पर की जा रही ऑक्सीजन की सप्लाई, दिन रात काम कर रहा है ऑक्सीजन प्लांट, अधिकारी बोले जो भी संभव सब कुछ करने को तैयार। कोरोना काल में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुई ऑनलाइन शादी, दूल्हे के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हुई ऑनलाइन शादी, लाइव चैट पर हुआ विवाह। कोरोना काल में मध्य प्रदेश के रतलाम में हुई अनूठी शादी, वरवधु ने पीपी किट पहनकर लिए 7 फेरे, 19 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हो गया था दूल्हा। कोरोना संकट के बीच पुणे में पालतू जानवरों के लिए खास इंतजाम, कोरोना संक्रमित लोगों के पेट्स के लिए खास व्यवस्था। हिना खान हुई कोरोना पॉजिटिव, हाल ही में हुई थी पिता की मौत, हिना ने सोशल मीडिया पर खुद साझा की जानकारी। सोशल मीडिया से अभिनेत्री फातिमा सना शेख ने लिया ब्रेक, खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी, कुछ और सेलेब्स भी कर चुके हैं ऐसा। सलमान ने फिल्म राधे के गाने सिटी मार के लिए किया साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का शुक्रिया, अल्लू की फिल्म के गाने का रीमेक वर्जन बताया जा रहा है सलमान का नया गाना। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर निकाली भड़ास, कंगना ने किया ट्वीट, 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए बन सकता है खतरा। क्रीमिया के टनोका गांव के पास पीच गार्डन में दिखा खूबसूरत नजारा, दर्जनों जोड़ियों ने खास आयोजन में उठाया बॉल डांस का आनंद। कोरोना के कहर को देखते हुए तुर्की में पूर्ण लॉकडाउन, 17 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन। सोमालिया में राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, सरकार के कार्यकाल के विस्तार का विरोध। सोशल मीडिया पर छाया एक केकड़े के खाना खाने का अंदाज, लोगों ने कहा कोई इस केकड़े से सीख ले खाना खाने का सलीका।
बेटी की विदाई पर पिता ने उठाई चप्पल, वीडियो देख लोगों ने कहा लगता है कोरोना की भी होगी ऐसी विदाई। सड़क पर बैठी बुजुर्ग महिला को दिखा खाना तो रोते हुए पैसे देने लगी महिला, वीडियो देख लोगों की आंखें हुई ना। महिला ने की बाइक चलाने की कोशिश लेकिन कोशिश हो गई फेल, महिला की हुई जोरदार टक्कर और धड़ाम गिरी महिला। जिम में शख्स ने बेहद आराम से उठा लिए वेट, सोशल मीडिया पर लोगों की हैरानी की वजह से बना रहा वीडियो, लोगों ने पूछा आखिर ये कैसे मुमकिन है।